म तिमीलाई धेरै मारा माया गरिन्छ। के हो भन्दैछ तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम। थैंक यू रवीना से कैसे भेंट हुआ? फेसबुक फेसबुक पे हुआ था मैंने रिक्वेस्ट भेजा था भाव खाने वाली लड़की सॉन्ग में रिक्वेस्ट कर रही थी वाले एक्सेप्ट महीना दर्शकबिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो अतिथि हाम्रो फ्रेममा को हुनुहुन्छ भने तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि एकदमै परिचित अनुहार। उहाँ चाहिँ अहिले मोडल पनि भइसक्नु भएको छ र मोडलसँग हाम्रो अर्को मोडल को हुनुहुन्छ पक्कै पनि आजको बसाइमा चाहिँ त्यो सबै खुल्नेछ। हामीसँग रवीना वादी हुनुहुन्छ। रवीना वादीजी चाहिँ आज अहिले साँझको समयमा कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि भर्खरै एकैछिन खुल्नेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरहरूलाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ नगर हामी चाहिँ कहाँ छौँ अहिले? यो अलि रात रात साँझ पनि परेको छ, यो भक्तपुरतिर छौँ हामी अहिले। हजुर, लागि थियो यता हामी यता सुटिङको लागि। हजुर, सुटिङ चाहिँ कतिको चलिरहेछ अहिलेको? चलि नै रहेछ भनौँ राम्रै। भनेपछि भर्खरै मात्रै दसैँ पनि सकिएको छ, तपाईँहरूलाई पनि दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु। यता सरलाई चाहिँ दसैँ मनाउनुहुन्छ कि मनाउनु? हजुर, तपाईँहरूको बिचको रिलेसन पनि थोरै खुलाम है, के हो खास रिलेसन बताइदिनु? रिलेसन के हुन्छ अब? म उसलाई थाहा होला के रिलेसन के हो भन्दैछ। हेलो बाबु। हेलो सत्यम, हेलो गर, नमस्ते गर बाबु, नमस्ते गर, नमस्ते गर, नमस्ते 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 सरी भन्दे, सरी सरी सन्चो बाबुलाई। कस्तो छ बाबुलाई? हेलो गर्दे, हेलो, ठिक छु भन, सन्चै छौ? सन्चै छु भन, सन्चै बाबु गर्दे, बाबु एकदम अहिले बाबु पनि एकदम फ्रेस देखिएको छ। कस्तो छ बाबुलाई चाहिँ? बेला बेलामा बिरामी हुनुहुन्छ नि बाबु? भइरहन्छ, अहिले पनि भइरहन्छ, तर अब पहिला भन्दा के सुधार आएछ तपाईँलाई नि? म ठिक छु, म एकदम ठिक छु। भनेपछि तपाईँहरू एकअर्कामा चाहिँ एउटा अब के भनौँ, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड? बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड त सब हुन्छ, केटा साथी केटी साथी त सबको हुन्छ नि। इङ्ग्लिस वर्ड नेपाली बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेर त्यो नराम्रै जाँदैन होइन, केटा साथी केटी साथी पनि त हुन्छ। केटा केटी अहिले ठ्याक्क खुलाउनु सकेन, त्यही कारणले चाहिँ मैले सोधिहालेँ। उहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? सबैले खुलाइसक्नु भएको छ होइन, खोल्दो कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? कहाँ भेट्थ्यो बैठ तो मतलब
इन्डिया बस्नुहुन्छ भने इन्डिया पितमपुरा पितमपुरामा अहिले सुटिङको लागि नै आउनुभयो? हाँ, सुटिङको लिए अरू दसैँमा घुम्नेको लिए आएर घुम्नलाई नि नेपाल आउनुभयो होइन? पढ्नुपर्छ नि, पढ्नु नि हुन्छ तपाईँसँग? हाँ, दिल्लीमै पढ्नु पढाइ हुन्छ। तपाईँ नेपालमा चाहिँ कसरी आउनुभयो? रविनासँग चाहिँ कसरी भेटघाट भयो तपाईँहरूको? हिन्दीमा सु रविना से कैसे ओ भेट हुआ? फेसबुक पे, फेसबुक पे बात हुआ था ना हमारा। सब फर्स्ट टॉकिंग फेसबुक पे हुआ था। मैंने रिक्वेस्ट भेजा था भाव खाने वाली लड़की सॉन्ग में रिक्वेस्ट कर रही थी वाले एक्सेप्ट करने वो एक महीना एक महीना एक से डेढ़ महीना ना डेढ़ महीना डेढ़ महीना एक डेढ़ महीना पछि अनि अहिले चाहिँ पटरी में आई सके अबले बिना रिक्वेस्ट कर रही है सॉन्ग में कति वटा दुईटा भयो होला नि अहिले सँग तपाईहरुको? उसको दुईटा भयो, मेरो चाहिँ धेरै भइसक्यो हैन। उसको चाहिँ दुईटा भयो अनि सिरियल सँगै खेलेको चाहिँ दुईटा भयो। विदाउट त मसँग धेरैहरु छ सँग किरे वाकर मेरो चाहिँ दुईटा। कस्तो अनुभव भइरहेको छ त तपाईहरुको एकअर्कामा दुईटा उ खेलिसक्नु भएको छ हैन म्युजिक भिडियो हैन? कस्तो अनुभव भइरहेको छ? कति समय भनौँ न अब चल्न त अब तपाईँहरू एकअर्कालाई चाहिँ अब सधैँभरिलाई चाहिँ सँगै साथ हुने जस्तो देखिएको छ होइन? के छ सङ्केत अलिकता बताइदिन्न? हुन्छ, हुनसक्छ हुनसक्छ, मतलब हुनसक्छ भन्दा पनि हुन्छ अब धेरै दिन धेरै भनौँ एक दुई वर्षपछि अझै पनि एक दुई वर्ष चाहिँ तपाईँहरू यसरी रिलेसनमा नै रहने र एक दुई वर्षपछि सँगै बस्ने भन्ने कुरा बुझ्यो हजुर। भर्खरै अब दसैँ मात्रै सकिएको छ, दसैँ अगाडि अलिकता तपाईँ तनाव पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर, खास के थियो र अहिले के भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हो? त्यो दुईवटा रुमजम र रिताको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै नर्मल छ अहिले त। भनेपछि तपाईँ त गायक पनि कलाकार पनि मोडल पनि के छ? आजभोलि गायक बढी गीत गुनगुनाउनेमा बढी व्यस्त हो कि मोडलिङमा व्यस्त हो? सिरियलमा र मोडलिङमा बढी छु अनि गीतहरू पनि गाइरहन्छु बिचबिच। तपाईँको गीत नसुनेको पनि धेरै भयो होला दर्शकहरूले होइन? नै सुनिरहनु भएको छ, सुनिरहनु हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ अलिक कमै सुन्नुहुन्छ होइन? त्यो भएको कारणले पनि कस्तो कस्तो गीत चाहिँ अझै गाउँदै हुनुहुन्छ? कति चारवटै पाँचवटा भयो तपाईँ गीत? होइन मेरो त धेरै भइसक्यो, मेरो त धेरै भइसक्यो मेरो। तपाईँलाई त अब प्रोफेसनल गायक नै भन्दा पनि हुन्छ होइन सायद? तपाईँलाई मन परेको एउटा गीत उहाँको लागि एउटा होइन, तपाईँहरू एकअर्कामा एउटा रिलेसनमा नि हुनुहुन्छ, एउटा राम्रो गीत सुनाइदिन्न के छ त्यो? छ तपाईँसँग अहिले गाउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न? हुन्छ, रविनाजीको मुखबाट चाहिँ एकदम राम्रो गीत सुनौँ न त। अब धेरै लामो समयपछि नै इन्टरभ्यू भयो होइन तपाईँसँग होइन, एउटा गीत सुनौँ न। हुन्छ बाबु, नकराउ न। तिमी मेरो मुटुमा छौ, तिमी मेरो धड्कनमा छौ, तिमी मेरो जिन्दगी हौ, तिमी मेरो हर खुशी हौ, तिमी मेरो जिन्दगी हौ, तिमी मेरो हर खुशी हौ। आई लव यु, आई लव यु, आई लव यु, आई मी I miss you, I miss you. पक्कै पनि एकदम गीत गाउनमा पनि धेरै सुधार भयो कि जस्तो हामीले थाहा पायौँ त। खास के हो बताइदिनु न, के सिक्दै हुनुहुन्छ कि के हो? पहिला नै सिकिसकेको। पहिला नै सिकिसक्नु भएको थियो हजुर? पहिला भन्दा चाहिँ अहिलेमा धेरै सुधार आएको जस्तो लाग्यो। हुनसक्छ हुनसक्छ। अहिले बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन यो अहिले गीत गाएको चाहिँ? कतिको बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्छ, कितना सम्झ्थ्यो अलि 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 अलि। नेपाली त कति बुझ्ने, बोल्ने हुन्न, बुझ्ने हुन्न, बोल्नु छ अलिअलि बोल्नुहुन्छ। उहाँले पनि अब एक सङ्ग ओ रमिनाके लिए कुछ हे आपके दिमागमे ऐसा जो रोमान्टिक सङ्ग
जो भी ए बुझ्नुहुन्छ भने त नेपाली होइन, नेपाली समझ्थ्यो त नेपाली, एक नेपाली सङ्ग इतना आता नि अभी एक ही दो सङ्ग हिन्दी सङ्ग हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम। थैंक यू। खतर गाउँदो हुँदो रहेछ नि। हाँ जी, आपने अभी तक नेपाली में हमारा नेपाली चेली को प्रपोज नहीं किया है, प्लीज एक बार प्रपोज कर दीजिए नेपाली में आज हमारे चैनल पे प्लीज। नेपाली में कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, इंडियन बताया से। मा तिमीलाई धेरै माया गरेछु। मा तिमीलाई धेरै फिर से रिपीट हो जाए प्लीज। अच्छा लगा। म तिमीलाई धेरै मारे माया गरेछु। God bless you. मायाको बदला God bless you. त्यो मायाले हानेको हो नि। बहुत मारती है। कभी यहाँ कभी मारती रहती है। नहीं काउंट करने करने नहीं देती ना, काउंट करते और मारती है। अच्छा लगता है अगर थप्पड़ मारती है तो? कभी कभार दर्द होता है। आपने अभी तक कभी पिटा है कि नहीं? रवीना को कभी थप्पड़ मारा है कि नहीं अभी तक? नहीं शायद नहीं। नहीं अभी तक नहीं मारा। ओ कितना इतना 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 गलती पे पक्यो पनि। अब दसैँ पनि सकिएको छ होइन, अब तपाईँहरूको म्युजिक भिडियो पनि दिन प्रतिदिन चाहिँ अब अनग्रोइङ भइरहेछ अनगोइङ होइन। तिहारको के छ त्यस्तो तपाईँहरूको योजना प्लानिङहरू? अब तिहारको त त्यस्तो केही पनि छैन, अब तिहारमा हेरौँ अब कतातिर हुन्छ, अब काठमाडौँतिर हुन्छ कि अब बाहिरतिर हुन्छ कि अब कतातिर हुन्छ। टिका लगाउनुहुन्छ? अँ टिका लगाउँछु। ओ सब्जी आप दिवाली मनाता है इधर मनाता है वो आपके? नहीं दिवाली घर पे ही, वो एक्चुअली हमारे कास्ट के उसमें पूजा वगैरह होता है ना, तो इसी वजह से दिवाली का घर पे ही। कैसा दिल्ली में है वो पटाखा पड़ता है? नहीं नहीं पॉल्यूशन दिल्ली में जा रहा है तो पटाखे वगैरह बंद कर दिए, दिल्ली का पॉल्यूशन हाई हो गया है। हाँ दो चार पटाखे जलाते उससे ही बस, और बाकी घर में पूजा वगैरह करते हैं, सबको मिठाई वगैरह खिलाते हैं और रिश्तेदारों से मिल के आते हैं, फैमिली वगैरह से रिलेटिव से वैसे ही। अब उसके छः दिन बाद हमारा छठ पूजा होता है बिहारी के अकॉर्डिंग, तो छठ पूजा बहुत जश्न से मनाते हैं हम लोग। आरुषि आपको नेपाल और इंडिया में वो दो देश बीच में है ना, क्या डिफरेंट लगता है, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ये बताइन ना। ये इंडिया के मुकाबले यहाँ दिल्ली अकॉर्डिंग टू दिल्ली के मुकाबले यहाँ पॉल्यूशन कम छ, फ्रेश एयर छ, हरियाली छ दिल्ली के मुकाबले बहुत धेरै। अनि यहाँ पे इंडियन और रिलेशन भी अच्छा है नेपाल का, इज इट वेरी गुड, मतलब अच्छा है कि इंडियन और उसका। हाँ एक चीज़ है, यहाँ पे पासपोर्ट नहीं लगता तो मेरे लिए थोड़ा इजी है यहाँ पे आना नेपाल आना, नहीं तो पासपोर्ट लगता तो पता नहीं कब तक नेपाल आता, आ भी पाता कि नहीं आ पाता है। तो बट नेपाली है गुड सिटी, अच्छा लगा यहाँ पे, चौथी पाँचवीं बार आया हूँ, एकदम सेफ फील होता है यहाँ पे आने के बाद, और अच्छी सिटी भी है। ठीक है, तपाईँ नेपाल में आप किसके लिए आता है, क्या क्या करने के लिए आता है खास में? फर्स्ट सानू से मिलने आता हूँ। ठीक है, सेकेंड नेपाल घूमने भी आता हूँ, पूरा काठमांडू पूरा अकॉर्डिंग नेपाल सब कुछ घूमने आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ की हरियाली के एंजॉय करने आता हूँ, फ्रेश एयर मिलता है दिल्ली से, थोड़ा पोल्यूशन भर भर के प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे आके फ्रेश एयर लेके जाता हूँ दिल्ली। और वहाँ से ओ पोल्यूशन नहीं नहीं लेके नहीं आता, लेके नहीं आता, उधर के पोल्यूशन अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो इधर से फ्रेश एयर लेने आता हूँ और नेपाल घूमने भी आता हूँ। अच्छी सिटी है, ब्यूटीफुल कंट्री है नेपाल, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ पे झरने और पहाड़ बर्फ़, बहुत अच्छी सिटी है।
आने के बाद ऐसा लगता है कि जन्नत में आके बैठे हुए. थैंक यू सो मच. यति भन्दिनु भयो हैन र रविना जीले चाहिँ कहाँ कहाँ घुमाउनु न बकरी के भन्नु सबै ठाउँ चन्द्रगिरी नगरकोट त्यस पछाडि गएर पार्क जूहरू पशुपति मन्दिर काठमाडौँको सबै एरिया थाहा नै साइन्स म्युजियम इन्डिया गेट अरू कहाँ दो तीन जग्गा अरू उहाँलाई पनि घुमाइसक्नु भयो होइन नाइट राइड अन द बाइक होइन नाइटमा बाइकमा पनि घुमाइसक्नु भयो. हामी इन्डियामा फेरि दिउँसो बढी गर्मी राति नै बाहिर निक्लिन्छ. उसको मम्मी म उसको बहिनी गाब्ला उसको फोन मेरो हातबाट उहाँको घरमा पनि जानुभयो होइन जान्छ के भन्नुभयो त के भन्नु र राम्रो भन्नुहुन्छ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ बुहारीको रूपमा गर्नुहुन्छ. अब आरुषी पनि एकदम राम्रो ह्यान्डसम होइन दुईजनाको जोडी अब कहिले कहिलेतिर चाहिँ त जन्ती बाख्रा खान पाउँला भनौँ न कब तक होगा दो साल दुई साल दुई वर्ष केले रोकिरहेछ अहिले पढाइ स्टडी ए अब कति बाँकी छ आरुषीको पक्कै पनि अब तपाईँहरूको एउटा इन्टर रिलेसनको कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन आजको सुटिङको बारेमा पनि केही कुराकानी गरौँ. सुटिङ चाहिँ कस्तो भयो आजको समग्रमा एकदम राम्रो भयो रातिसम्म अझै पनि टाइम लाग्छ होला अझ सुटिङ सकेको छैन अब भोलि पनि रविनाले के कस्तो के कस्तो ड्रेसेसहरू के कस्तो सिनहरू युज भएको छ आजको सुटिङमा कौन कौन सी ड्रेस युज हुई है मेरे शूटिंग में आज कौन कौन सा सीन हुआ दो साड़ी और एक मिनी पहना था अपने शॉर्ट मिनी स्कर्ट ओ माय गॉड मिनी शॉर्ट शॉर्ट मिनी शॉर्ट कस्तो देखिनु भाथे रविना जी हाउ वाज सी लुकिंग कतै जहर 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 गुस्सा कितना आ रहा था फोटो खींचा है फोटो खींचा छु अच्छी लग रही थी रविना बादी रे और साड़ी में इस वाले ड्रेस में ज्यादा अच्छी लग रही शॉर्ट ड्रेस आपको पसंद नहीं नहीं इतना अच्छा नहीं लगता है शॉर्ट ड्रेस लड़की की ब्यूटी ढके में अच्छी लगती है उभरे में नहीं भनेपछि अब एकदम अन्त्यमा छौँ है हामी चाहिँ अब तपाईँहरू पनि सुटिङ सकेर आउनु भएको छ ठ्याक्क बाटोमै भेटिहाल्यो कुराकानी पनि गर्ने मौका मैले मिल्यो तपाईँहरूलाई पनि अँ सुटिङ अझै पनि बाँकी छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय दिनुभयो र हामीसँग केही कुराकानी गरिदिनु भयो. अन्त्यमा तपाईँको धेरैजना तपाईँलाई मन पराउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कतिले तपाईँलाई ब्याड कमेन्ट नै गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ रविनाजीले चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन अब ब्याड कमेन्ट गरे पनि आज उहाँहरूको साथ सपोर्ट नभइदिएको भए आज यहाँसम्म पनि पुग्ने थिएन. सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैलाई र किप इट सपोर्ट गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति राति आएर पनि इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच. र हाम्रो नेक्स्ट अपकमिङ अब भिडियो आउँदैछ त्यसलाई हेर्न नबिर्सिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला त थ्याङ्क यू. आरुषी आप क्या कहना चाहता है इंट में मैं ये कहना चाहता हूँ सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और हमें प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहिए ऐसे ही और जो गंदे गंदे कमेंट यूज़ करते हैं प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए. हाँ करिए आपके कमेंट्स की वजह से हमारे फॉलोवर्स बढ़ते हैं थोड़े बट थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप इतने गंदे गंदे कमेंट मत करिए किसी को इस चीज़ से बहुत हर्ट होता है. सो प्लीज़ राम्रो राम्रो कमेंट गर्छु गर्दिनु होला एन्ड सबैलाई नमस्कार धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद.